अपने बारे में बताइए पांडे जी। सर मेरा नाम नरेंद्र पांडे है और मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हूँ। अभी पलामू हरियरगंज में असिस्टेंट शिक्षक हूँ और वैसे औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। आप बिहार से झारखंड आकर के नौकरी कर रहे हैं, बिहार में तो टीचर कितनी वैकेंसी निकली, कई लोगों के नौकरी लगी, तो आप बिहार में ज्वाइन नहीं किए? एक्चुअली सर हम शुरू से पीसीएस की तैयारी जब कर रहे थे तो मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी, तो बीएड की डिग्री जब मैं 2007 में किया तो फिर उसके बाद 7 में डिग्री करने के बाद तुरंत ही 2009 में झारखंड में वैकेंसी आई और उसमें हो गया। 1970 में आपका जन्म हुआ है। आपके अनुसार सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कितना वर्ष चाहिए? सर मेरे अनुसार सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए अधिक से अधिक 2 या 3 साल चाहिए। आपको इतने वर्ष क्यों लग गए इंटरव्यू तक आने में? इसके पहले भी सर 1-2 इंटरव्यू में दिया हूँ लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली। तो कहाँ पर आपको लगा कि इंटरव्यू में आपने लैग किया होगा? सर शुरू से जब मैं थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से था तो अपने पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था और साथ ही तैयारी भी करता था, तो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट में केमिस्ट्री था मेरा वो उतना मजबूत नहीं था, इसलिए मैं उसे ऑप्शनल के रूप में नहीं चूज कर पाता था। और अंततः जो सब्जेक्ट लेता था उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। आपका अगर जेपीएससी में चयन होता है तो आपने सबसे पहले किस चॉइस वाले पद पे जाना चाहेंगे? जी प्रशासनिक सेवा। क्यों प्रशासनिक सेवा ही क्यों चुन रहे हैं? प्रशासनिक सेवा में वर्क परफॉर्म करने की विविधता रहती है, वहाँ एक विस्तृत प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर हम अपने काबिलियत को या अपने स्किल को दर्शा सकते हैं। आप शिक्षा जगत में अपने स्किल को नहीं दर्शा सकते? शिक्षा जगत में सर हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पर है, जहाँ प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ बहुत स्कोप नहीं है। वो तो सबसे बड़ा स्कोप है, आप जिस लेवल में है अगर वहाँ ही बेहतर कर देंगे तो वो बच्चे ही आगे चल करके और अच्छे पदों पर जाएंगे तो आपका भी तो नाम होगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली हम अपने आप से थोड़ा कमिटमेंट किए हैं कि जब सिविल सेवा की तैयारी एक बार शुरू कर दी है तो अंततः हमें लगे रहना है इसमें और जब भी मौका मिलेगा मैं इसे उसी का नतीजा है कि अभी तक मेरा पैशन भी है मेरा सर। आपकी हॉबी क्या है नरेंद्र जी? सर पूर्वी भोजपुरी पूर्वी गाना सुनना और उसको गुनगुनाना भी। आप कोई गाना